नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। सुभाषपा के कई बड़े नेताओं ने आज पार्टी को छोड़ते हुए निषाद पार्टी का दामन थाम लिया। लखनऊ में आयोजित निषाद पार्टी के सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने सभी को सदस्यता ग्रहण कराई। इस मुद्दे पर सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि निषाद पार्टी ने ही इन दिनों दोनों पर आरोप लगाया था कि उसका जवाब उन्हें ही देना चाहिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज सहकारिता भवन में निषाद पार्टी ने सुभाषपा के कुछ पार्टी के पदाधिकारियों की अपने पार्टी में जो है सदस्यता करा ली है और बाकायदा जो है आरोप लगाया गया है सुभाषपा पे और अरुण राजभर पे कि वो इन लोगों का फोन नहीं उठाते थे और जो कश्यप समाज है उनको भिखमंगा कहते थे, ऐसा उनका आरोप है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, निषाद पार्टी में आपके पार्टी के कुछ लोग जो है सदस्य के रूप में आज शामिल हो गए, बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया है पार्टी। जो छोड़ता है तो माला फूल लेकर स्वागत करता है क्या? तू आरोप लगाएगा तो जिन लोगों का ये एक चेहरा है वो उजागर हो चुका है। मुकदमा 420 का जेल वो रहे, 2016 में गमन का आरोप जिन्होंने पार्टी में ज्वाइन कराया उन्होंने लगाया है, और 10 लाख नौकरी के नाम पर विवेक शर्मा से ये दोनों लोगों ने लिया है, राजेश कश्यप से 10 लाख रुपया नौकरी दिलाने के नाम पर दोनों लोगों ने लिया है। तो ये तो उनको जवाब देना चाहिए ना, जिन्होंने ज्वाइन कराया है, कि आप किस वजह से उनको गमन का आरोप लगा करके पार्टी गतिविधि का लिप्त होने की वजह से निकाला था और आज पुनः उनको ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप लुटेरों से दूर नहीं रह पा रहे हैं या आप ठग करने वालों से आप दूर नहीं हो पा रहे हैं, आप उनको अपने गले लगा रहे कि आओ और ठग करो और लोगों को नौकरी के नाम पर झांसा दे करके पैसा वसूलो। और ये किसका वसूल रहे हैं? अपने ही जाति के लोगों का वसूल रहे हैं। जिस जाति की राजनीति तो करते हैं उन्हीं लोगों को का शोषण ये कर रहे हैं, तो शोषण करने वालों को हमारी पार्टी में जगह तो है नहीं। और ऐसे लोगों को हम आज से नहीं, 2 साल पहले ही लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जब हमको पता चला कि ये लोग गमन के आरोपी हैं या 420 काम कर रहे हैं तो पार्टी से निकाल दिया गया। तो अब वो सफाई देवे करेंगे और क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ सबका सम्मान होता है, सब महापुरुषों का सम्मान होता है, सभी जाति धर्म का सम्मान होता है, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। सवाल मीडिया में किस तरह चलाया जाता है वह पत्रकार लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप हमारी चीजों को कैसे पेश कर रहे हैं, हम किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, आप किस परिप्रेक्ष्य में दिखा रहे हैं। तो वो आरोप लगाने वालों को उत्तर प्रदेश में या जिस जगह से आते हैं जाकर किसी थाने में औरैया के पता कर लेंगे, औरैया थाने में कि मुकदमा किस नाम पर दर्ज है, इटावा में किस नाम से दर्ज है, और ये लोग खुद ही साजिश करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ित करने वालों को हमारे दल में जगह नहीं होती। तो हम बहुत ऐसे लोग गंभीर नहीं जाते हैं। हाँ, एक गिरोह चलता है, वो गिरोह जिस दल में गए हैं वो गैंग है गिरोह का, उसमें चोरों का जगह है, लुटेरों का जगह है, अपराधियों का जगह है, माफियाओं का जगह है, सब जितने गिरोह हैं बड़े बड़े, आप लाख ठगी करके जाइए वहां आपको स्थान मिल जाएगा। तो हमारे लोग देखिए सामने आकर कह रहे हैं कि आओ गमन करने वालों मेरे पास आओ, लुटेरों मेरे पास, तो लुटेरे लोग तो चले गए, अब वहां जाके लूटेंगे, लूटपाट कंपनी में शामिल हो गए तो वही करेंगे ना, हमारे कर नहीं पा रहे थे इसीलिए हमने बाहर कर दिया। रामचंद्र कश्यप ने कहा कि अगर मेरे ऊपर इस प्रकार के आरोप थे, गबन का आरोप था, तो मुझे सुभाषपा से टिकट क्यों दिया गया? टिकट कहाँ, वो तो पहले से सरेंडर कर दिया था, समाजवादी पार्टी के हाथों बिक गया था। हम तो चाहते थे वो नेता बने, लेकिन नेता जब पहले से आदमी जिसके मन में ये है कि मुझे ठग करना है, लूटना है, पाटना है, हमें जो है राजनीति नहीं करना है, तो ऐसे लोग तो बिक गए थे सपा के हाथे। हम तो बिके हुए लोग सामने बतिया में जाकर के शिवपाल यादव से पैसा लिए थे, बताए कितना पैसा लिए थे, तो उस बात का मतलब नहीं है, बहुत पुरानी बातें हो गई है, उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, जा गए हैं जहाँ वहाँ राजनीति करें, चुपचाप मार के राजनीति करें, समाज में ऐसे दलाल गैंगों का बहुत स्थान नहीं रहता और वो उत्तर प्रदेश में कितने पॉपुलर है उसे सब जानते हैं, क्या जान कौन जानता है उसको, कौन क्या नाम उसको बताया, हम तो जानबर नहीं करते। तो वही है, जब किसी के नाम नहीं जानते तो क्या झूठा, विवेक शर्मा से पूछ लो क्या नाम है उसका, बता देगा दलाल है, हम थोड़ी ना राकेश राजेश कश्यप से पूछो वो बता देगा, दोनों साथी मुकदमा लिखवाए खुद बता देंगे कि किस नाम से ये लोग प्रसिद्ध हैं। तो ये सब दलाल गैंग है, गए हैं उस गैंग में शामिल हो गए, तो उनको बात उनको क्या फर्क पड़ता है, इससे हमारे कोई फर्क नहीं। अखिलेश यादव ने सरकार पे लगातार कई आरोप लगाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही, उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा कि माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। इसके बाद अतीक अहमद पे
लगातार जो है कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, किस प्रकार से आप इस कार्रवाई को देखते हैं? देखिए मिट्टी में तो मिल रहे हैं जो लोग, और जिन लोगों ने बचाने का प्रयास किया, मिट्टी से बाहर रसमलाई चमचम मोहन भोग खिलाया है, अब उन लोग दर्द तो हो गए कि एक तरफ वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए बुलडोजर चला रही है, तो जो लोगों ने बुलडोजर पहले नहीं चलाया है, रसमलाई खिलाया है, तो उन लोग तकलीफ तो हो कि हम तो बचाए, हम तो सांसद बनाए, हम तो विधायक बनाए, और हमने उनको जीना किया, हमने उनको मालामाल किया, हमने अवैध कब्जा जमीन दिलवाई, अवैध कारोबार जितने होते हैं वो सब श्री अखिलेश यादव गैंग के लोग कराते हैं, और उस गैंग में जितने लोग आज सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चल रही है, तो भाई मालिक को, गिरोह के मालिक को तकलीफ नहीं होगी, वही तकलीफ हो रही है उनको, और वो तकलीफ जाहिर सी बातें हैं कि आज बुलडोजर चल रहा है, पहले मुकदमे दर्ज होते, ट्रायल होते थे, तो लोग नेता मंत्री के संरक्षण में आके, अधिकारी संरक्षण में आकर के मालामाल होते थे, लूटते पाटते थे, लेकिन आया है तकलीफ तो हो कि हम तो बचाए, हम तो सांसद बनाए, हम तो विधायक बनाए, और हमने उनको जीना किया, हमने उनको मालामाल किया, हमने अवैध कब्जा जमीन दिलवाई, अवैध कारोबार जितने होते हैं वो सब श्री अखिलेश यादव गैंग के लोग कराते हैं, और उस गैंग में जितने लोग आज सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चल रही है, तो भाई मालिक को, गिरोह के मालिक को तकलीफ नहीं होगी, वही तकलीफ हो रही है उनको, और वो तकलीफ जाहिर सी बातें हैं कि आज बुलडोजर चल रहा है, पहले मुकदमे दर्ज होते, ट्रायल होते थे, तो लोग नेता मंत्री के संरक्षण में आके, अधिकारी संरक्षण में आकर के मालामाल होते थे, लूटते पाटते थे, लेकिन अब वो कर नहीं पा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जान बचाने के लिए, जो लोग जान बचाने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा रहे हैं, इससे ही पता चल जाता है कि अपराधियों की इतनी दहशत फैल गई है, और उत्तर प्रदेश में पहले बम रखे जाते थे, पहले बम रखने वालों के मुकदमे वापस होते थे, आज बम रखने को छोड़ दीजिए, एक चक्कू लेकर चलने में लोग डर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भय का वातावरण पहले की सरकारों ने बनाया था अब वो खत्म हो रहे हैं, तो जो लोगों ने भय का माहौल बनाया या उस तरह गरीबों के साथ अन्याय किया, जमीनों को लूटने का काम किया, अब उन लोगों का वो चीज चल नहीं पा रही है, इसीलिए वो अब इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ जनता कहां जा रही है, वोट इनको कौन दे रहा है, इनसे सब नफरत कर रहे हैं, ये इसी यही भाषा इनकी है, इसीलिए तो नफरत कर रहे हैं, ये अतीक को टिकट नहीं दिए होते इतना बड़ा अपराधी होता, और ये अपराधियों को तो पालने वाले लोग डीपी यादव कौन थे, कौन पाला था इनको, इनके गैंग में कितने अपराधी शामिल थे, ये खुद ही समाजवादी पार्टी वाले कंफ्यूज होते हैं कि हमने पाला है कि पेट से निकल के वैसे आया, लेकिन सपा कहती है वो बसपा के प्रोडक्ट है, सपा कहती है तो वो पूछिए उनसे कि सांसद किस दल से बना था, विधायक किस दल से बना था, और मंचों पर फोटो किसके साथ सबसे ज्यादा आए हैं, इनके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सरकार में मंत्री थे, बहुत सारे लोग अपराधी मंच पर बैठकर भाषण देते, ये सब चीजें भूल गई जनता नहीं बोली, ये सब याद है, वो तो झूठा खाली एक तो टाइम पास करने के लिए बोल देता है आदमी की चलो जो है उस पे आरोप लगा दो, उन पे आरोप लगा दो, इन पे उन पे आरोप लगा, बच जाते हैं, वो नहीं बताते कि हाँ हमने पाला पोसा, हमने सब कुछ किया, और इसीलिए पालने वाला कभी नहीं कहता है कि हमने, वो तो खुदा कह रहे हैं, इसका मतलब कल्पेट को किसी को भी कह देंगे कि हमारा आदमी नहीं है, ये तो बरक है इनका पार्टी का सांसद, वो कहता है कि मुसलमानों की कार्रवाई हो रही है, अरे तुम्हारे पार्टी का विधायक है पूजा पाल, ओकर रिश्तेदार मारा गया है, वो न्याय की बात कर रही है, इसका आदमी कर रहा है, मुसलमान पर कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई तो सब पे हो रही है, किसी अपराधी किसी जाति थोड़ी होता, किसी धर्म मजहब का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता, पालने वाला कभी नहीं कहता है कि हमने, वो तो खुद कह रहे हैं, इसका मतलब कल्पेट को किसी को भी कह देंगे कि हमारा आदमी नहीं है, ये तो बरक है इनका पार्टी का सांसद, वो कहता है कि मुसलमानों की कार्रवाई हो रही है, अरे तुम्हारे पार्टी का विधायक है पूजा पाल, ओकर रिश्तेदार मारा गया है, वो न्याय की बात कर रही है, इसका आदमी कर रहा है, मुसलमान पर कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई तो सब पे हो रही है, किसी अपराधी किसी जाति थोड़ी होता, किसी धर्म मजहब का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, अपराधियों के साथ हमेशा सफा खड़ी रहती है, ये हमेशा उजागर होता रहा, उजागर हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, सलील बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, सदन के सदस्य भी रहे हैं, और उनके मामले में जो दोषी थे पुलिसकर्मी उनको सदन में सजा सुनाई गई है, जिस पर अखिलेश यादव का कहना है कि इससे सरकार सपा को नीचा दिखाने का काम कर रही है। वही कर दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती, इन्होंने क्यों नहीं कर दिया, माननीय विधायक गण जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, सांसद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर उनके साथ आपत्तिजनक या
गलत तरीके से व्यवहार करता है तो वो संपूर्ण उस जनप्रतिनिधि का अपमान करता है, नहीं उस जनता का अपमान कर रहा है जिससे वो चुना गया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब ने संविधान में जनप्रतिनिधियों का सम्मान हमेशा से अधिकारियों को करने का सिखाया कि आप कानून के दायरे में रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने दायरे से ऊपर उठ के करते हैं, तो ऐसे लोगों का सजा ऐसे ही तरीके से अगर पूर्व की सरकारों ने दिया होता तो आज अधिकारियों का मनोबल इस तरह नहीं बढ़ा होता कि सरेआम थाने में विधायक को गाली दे दिया जाता है, सरेआम सांसद को गाली दे दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो जो चुना हुआ प्रतिनिधि अगर इस तरह अपमानित हो रहा है तो जनता कितना अपमानित होती है। इससे ये संविधान की जो एक अवहेलना करने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र का अवहेलना करने वाले लोग, ऐसे लोगों पर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बचाव में कोई दल खड़ा होता तो उसके ऊपर भी खड़ा कार्रवाई होनी चाहिए कि ये बचाव पक्ष में क्यों खड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं चाहता है कि सांसद विधायक भी उत्तर प्रदेश देश में सम्मान के साथ जनता की सेवा करे। ये जनता के सेवक है और जनता के सेवक सब कोई अपराधी या कोई अधिकारी इस तरह बर्ताव करता है तो उस पर कार्रवाई बकायदे बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। तो कम एक दिन का थोड़ी ना, उनको तो होना चाहिए 10 साल का सजा। 10 साल का होता तो आदमी हो जाते, कोई अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं जुटाता किसी विधायक का अपमान करने के लिए। तो ठीक है, सरकार ने कार्रवाई किया है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की, हमको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस तरह कदम उठाया, पहली बार कोर्ट विधानसभा में लगाया है। तो ये एक सही फैसला था, इस फैसले का सभी दल को स्वागत करना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।